हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको केले को छीलने के आसान तरीका बताएंगे जिससे आपका वक्त बच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कच्चे केले को लीजिए, यहाँ पे मैंने लेके रखा है। फिर उसको नाइफ से छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए। बारीक बारीक लगाना, ज़्यादा डीप मत कर देना वरना वो केला कट जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे काटते समय। इसलिए बारीक हल्के हाथों से 4 या 5 कट लगा देना इस तरीके से, जैसे मैंने अभी यह सारे केले को लगा के रखा है। उसके बाद उसको धूप में रख दीजिए 15 से 20 मिनट तक। आप उसको धूप में रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। बाद में हम इसको अभी छीलेंगे। छीलते समय ये कट्स को, सिर्फ एक कट को निकालते ही बाकी सारा केला अपने आप ऐसे आसानी से छिल जाएगा। ये देखिए कितने आसानी से छिल के निकल गए हैं। इस तरीके से ये कट्स, सिर्फ कट्स आपको एक खोलना होगा, बाकी कट्स अपने आप आगे खुलते ही जाते हैं और आसानी से केले निकल जाते हैं। इस तरीके से ये मैंने सारे केले निकाल लिए हैं छिल के। अब इसको हम स्लाइस के बनाएंगे। इस तरीके से हम चाकू से स्लाइस बना रहे हैं। पहले ये कुछ बारीक होंगे, कुछ मोटे होंगे, और चाकू से एक जैसे स्लाइस नहीं बनते। और आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीके में आप ये मेरे पास स्लाइस कटर है 11 in 1, ये आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। ये इसकी लगा रही हूँ वो जाली। लगाने के बाद आप केले का 2 टुकड़े में काटिए, प्रेस कर दीजिए। करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे स्लाइस एक जैसे और कितनी आसानी से हो गए हैं। इस तरीके से आप पूरे केले को स्लाइस कर सकते हैं। इसमें स्लाइस करने से आपका वक्त बहुत बच जाएगा और ये आसानी से हो ही जाते हैं। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, एक समान ही रहते हैं। ये देखिए हो गया, कितनी जल्दी मैंने इतने सारे केले को स्लाइस कर दिया है। ये देखिए, इससे आप सब्जी बना सकते हैं, और अगर चाहे तो इसको सूखने के लिए रख सकते हैं धूप में। सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, इसके आप रोटी भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।